जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नीलम आंटी, जय गुरु जी। आंटी मेरी आवाज आ रही है तो एक बार ही आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि ऑडिबल है कि नहीं। जय गुरु जी। थैंक यू नीलम आंटी बताने के लिए कि मैं ऑडिबल हूँ। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आज सत्संग बख्शने का बहुत बहुत शुक्राना मालिक का। जय गुरु जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी कंचन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, जब तक आप शेयर करते हो ये लाइव वीडियो और बाकी संगत और जुड़ते हैं, तब तक हम मंत्र जाप करते हैं। आप सब ऐसा मंत्र जाप कीजिएगा और फिर उसके बाद सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। जय गुरु जी अर्चु आंटी, जय गुरु जी कनिका आंटी, जय गुरु जी अलका आंटी, जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत जो अभी जुड़े हैं मेरे साथ, सबको प्यारा वाला जय गुरु जी। सॉरी गुरु जी, सबसे पहले थोड़ा लेट हो गई मैं आने में, बट कहते हैं ना सब गुरु जी के टाइमिंग्स होते हैं। गुरु जी ने जब आपसे सत्संग की सेवा लेनी है तब आपको बिठाएंगे। लास्ट थर्सडे के लिए रियली सॉरी संगत जी, मैं नहीं आ पाई सत्संग सेवा करने के लिए। वो भी गुरु जी की टाइमिंग्स थी, या आप कह लो गुरु जी का हुक्म होता है जब आपको उन्होंने मतलब सेवा पे बिठाना है। सच में मतलब गुरु जी ने मुझे सत्संग में भेजना था, कहीं जाना था, तो बस उसकी वजह से मैं नहीं आ पाई। सो उस बात के लिए रियली सॉरी। जाना एक्चुअली सत्संग में ही था, मैंने गुरुजी के पास ही जाना था, तो बट कहते हैं ना उनके हुक्म के बिना आप सेवा भी नहीं कर सकते, तो सब उनकी रजा से होता है। हमारी लाइफ में इनफैक्ट कुछ भी हो रहा हो वो उनकी रजा से हो रहा है। सो जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, बस उनका हुक्म मान के हमें मानना है, उनकी रजा में राजी रहना है और खुश रहना है। वो जो कर रहे हैं हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी कभी उनकी चीजें समझ में नहीं आती वो क्या कर रहे होते हैं हमारे लिए। हमारे एक्चुअली ये छोटे से दिमाग में नहीं घुसती उनकी बातें, बट इतना बस उस टाइम पे बस एक बात याद रखना कि वो जो कर रहे हैं ना आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। सो बस उनके हुक्म में रहना है। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली उनके हुक्म में रहना, जो मुझे लगता है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, सच में नहीं आता, और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट अल्टीमेटली ना आपका दिमाग जो बातें कुछ भी बोल रहा हो, कुछ मतलब एक्स वाई जेड आपका मन में कितनी सारी बातें क्यों ना चल रही हो, अल्टीमेटली एट द एंड अपने माइंड को बस एक ही बात बार बार बोलनी है कि गुरु जी कर रहे हैं
वो सब सही कर रहे हैं। शायद उनकी प्लानिंग हमें समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, हमें नहीं पता है ना, हमारी उतनी औकात नहीं है कि हम उनकी प्लानिंग समझ पाए, बट वो जो कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। बस ये बात बार बार अपने मन को ये बात ना याद दिलानी है। जब हम बार बार ये बात याद दिलाते हैं ना कहीं हम उन सिचुएशंस को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, है ना। सो गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी मीनू आंटी, जय गुरु जी वान्या आंटी, जय गुरु जी। होप आप सब कैसे हैं, सब अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से, है ना। और अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है, टेंशन मत लो, गुरु जी बैठे हैं और गुरु जी सब अच्छा करेंगे। बस हमेशा मुस्कुराते रहना, स्माइल करते रहना है, खुश रहना है, है ना। क्योंकि हम खुश रहेंगे ना, गुरु जी बहुत खुश रहेंगे। अगर हम उदास हो जाएंगे तो गुरु जी भी उदास हो जाएंगे। आप हम सब बच्चों को देख के ना, गुरु जी जब हम खुश होते हैं ना, खिलखिलाकर हंसते हैं, तो गुरुजी भी हंसते हैं, उनकी मुस्कुराहट और बड़ी हो जाती है। पर जब हम उदास होते हैं, हम रोने लगते हैं ना, तो हमारे गुरुजी भी उदास हो जाते हैं, है ना। जय गुरुजी पलकिन आंटी, जय गुरुजी, जय गुरुजी काजल आंटी, जय गुरुजी गीता आंटी, जय गुरुजी। तो संगत जी, मैं रिसेंटली आपको अपने सत्संग सुनाती हूँ। ये लास्ट वीक का ही सत्संग है। जब मैं थर्सडे को नहीं आ पाई थी सेवा के लिए, तो उस दिन यहाँ गौधाम में एक सत्संग था, गुरु जी का सत्संग था। और उस सत्संग में हमें जाना था, तो मैंने फटाफट अपना काम किया और मैं चली गई सत्संग पे अपने ब्रदर के साथ। और वहां पे ना मन में था कि गुरु जी, मैं भाई कहता कि हम ना जल्दी आ जाएंगे सत्संग से वापस, क्योंकि हाँ हमारा यही था कि हम आ जाएंगे। पर मेरा मन था कि नहीं, हम अटेंड करें। तो कहता अगर मेरे को, मतलब मैं बोल के जाता हूँ शॉप पे, मतलब अगर टाइम लगा तो हम पूरा ही अटेंड कर लेंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे। मैंने बोला ठीक है। संगत जी, हम ना वहाँ पे गुरुजी ने हमें आगे बिठाया अपने दरबार में, बहुत अच्छा लगा। और हमने पूरा सत्संग ना, मतलब 9 o'clock तक था और हमने सारा अटेंड किया। और मीनवाइल उस दिन गुरुजी ने हमें 2-3 ऐसे सत्संग सुनवाए जो आई थिंक हमें उस टाइम की जरूरत थी। हमारे नोन ने कोई बीमार है, कोई बेबी, तो मैं सबसे बोलूंगी कि आप उस बच्चे के लिए भी अरदास कीजिएगा कि गुरुजी महाराज सब बच्चों को हेल्थ ब्लेस करे, सब बच्चे तंदुरुस्त रहे। सो वो एक छोटा बेबी है हमारे रिलेटिव्स में, उसका हमें पता चला कि उसको थैलेसीमिया है। सो हम बहुत ज्यादा अपसेट हो गए और हम उसके लिए अरदास करने लगे। एंड हम जब सत्संग में गए संगत जी, गुरु जी ने वहां पे आउट ऑफ नो वेयर एक अंकल थे, उन्होंने मतलब काफी सत्संग शेयर हो चुके थे, बट एट द एंड वो अंकल आए और उन अंकल ने कहा कि मुझे अभी अनुराग अंकल ने कहा कि आप सत्संग शेयर करो। एंड उन अंकल ने बोला कि लास्ट टाइम भी जब मैंने ये सत्संग शेयर किया था, कितने संगत थे जिनको आंसर मिला था। एंड जब और हमें जब पता चला था कि उस बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम है, सो मेरे माइंड में ना वही सत्संग उन अंकल का याद आया, क्योंकि मैंने वो सत्संग बहुत सारी सुना हुआ है। सो वो मेरे माइंड में सत्संग आया और मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ, पर मैं शेयर नहीं कर पाई। और मीनवाइल मेरे भाई के दिमाग में भी वही सत्संग आया, सेकंड मतलब उसके माइंड में भी यही आया। पर जब हम सत्संग में गए, गुरु जी ने उन्हीं अंकल को सामने खड़ा कर दिया और वो अंकल अपना फिर से वही सत्संग सुना रहे थे कि उनके बच्चे को भी लिक्यूमिया था, और मतलब ब्लड कैंसर ही होता है एक तरह से, और उस बच्चे की कीमोज हुई। बट वो अंकल आते रहे, किसी ने उनको बताया, उनकी कजन सिस्टर ने गुरुजी के बारे में, और वो गुरुजी के पास आते रहे। फर्स्ट टाइम आए, उनको नहीं पता था कि यहाँ पे महाराज चोले में नहीं है, उनको लगा महाराज आएंगे और बातें करेंगे, बट उनको बाद में पता चला कि गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। और फिर वो आते रहे, बस वो आते रहे, बट उनके बच्चे की सिचुएशन उतनी सही नहीं हो रही। तो वो सोचने लगे कि यहाँ पे इतनी संगत आती है, इतने वेल टू डू लोग आते हैं, कुछ तो बात होगी इनमें, कि मतलब ऐसे थोड़ी आते हैं यहाँ पे ये मतलब ये लोग सिर्फ लंगर करने नहीं आते हैं। उन अंकल ने ना ऐसा सोचा कि इतना क्रीम क्राउड आता है, ये सिर्फ लंगर करने के लिए नहीं आता, कुछ तो पावर होगी गुरुजी में।
एंड एक दिन फिर किसी ने उनको बताया, मीनवाइल उनके बच्चे की सिचुएशन वर्स्ट हो रही थी, तो उन अंकल ने कहा, किसी ने उनको बोला आप बड़े मंदिर होकर आओ, तो अंकल अपने बच्चे की रिपोर्ट्स ना लेके बड़े मंदिर गए, और वहां पे जब उन्होंने सेवादार को कहा तो सेवादार उनको कहते हैं कि आपको पता है आप कहाँ आए हो, तो उन्होंने बोला मैं बड़े मंदिर आया हूँ। सो वो अंकल कहते कि जो सेवादार थे वो कहते किसके पास आए हो, कहते गुरुजी के पास, कहते आपको पता है गुरुजी कौन है, तो उन्होंने बोला गुरुजी गुरुजी है, कहते नहीं आपको पता ही नहीं कि गुरुजी कौन है, कहते गुरुजी इस पूरे ब्रह्मांड के है ना बेस्टेस्ट डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, और अब आप बस इनको इनके ऊपर छोड़ दो, यहाँ पे आगे हो ना तो जी ये पूरी दुनिया के ये सबसे बड़े डॉक्टर हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स इनके आगे फेल हैं, सो सब गुरुजी अच्छा करेंगे, आप टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। और अंकल पॉजिटिविटी लेके घर वापस आए, और फिर उनके बच्चे का टेस्ट हुआ एंड रिपोर्ट्स चेंज हो गई। संगत जी, गुरुजी ने उस बच्चे को ब्लेस किया एंड ही इज परफेक्टली फाइन नाउ, सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी, मतलब ये सत्संग मेरे माइंड में पहले भी आया एंड गुरुजी ने यही सत्संग सुनाया, मतलब उन अंकल के थ्रू, एंड उसी टाइम मुझे बस ये लगा कि ये हमारे जो रिलेटिव में वो जो बच्चा है जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, सो उसके लिए गुरुजी ने ये सत्संग सुनवाया, और गुरुजी का हमने बस शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आप सत्संग सुनवा के भी हमें कैसे ब्लेसिंग्स दे देते हो, है ना। सो बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी पलकिन आंटी, बिल्कुल गुरुजी बेस्ट डॉक्टर है, और हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं सिर्फ हेल्थ वाइज नहीं, आई थिंक हमारी मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी पीस ऑफ माइंड, हमारा क्या कहते हैं ना, हमारी सारी प्रॉब्लम्स के वो मतलब सोल्यूशन कौन है, इट्स गुरुजी। और पलकिन आंटी मैं एक और सत्संग सुनाऊंगी, इसी के साथ का सत्संग है एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल सत्संग, मुझे आपकी याद बहुत आई थी उस टाइम पर, मैं शेयर करूंगी संगत जी। बिल्कुल सभी बच्चों के लिए संगत जी अरदास कीजिएगा कि गुरुजी महाराज सब बच्चों को बहुत सारा ब्लेस करे, सब हेल्दी रहे और सब तंदुरुस्त रहे, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है ना। सो संगत जी, हम लोग ना एग्जैक्टली 9:00 मेरा भाई कहता है कि चलो अब ना हम वापस चलते हैं, क्योंकि मतलब मेरे को ना घर से फोन आ गया जाना पड़ेगा। मैंने बोला अब तो लंगर का टाइम तो हो ही गया है, आरती हमने पूरी अटेंड कर ली, सिर्फ लंगर करने बैठना था, लंगर प्रसाद। मैंने बोला गुरुजी आप बिना लंगर प्रसाद किए मेरे को भेजोगे, और इतने में मैंने वो आ गया, लेके चला गया, अब मुझे भी पीछे पीछे जाना पड़ा, मैं बहुत अपसेट हो गई। मैं बोला गुरुजी प्लीज आप लंगर प्रसाद तो करवा देते, चलो आप बाहर से हमें पैक में ही दे दो लंगर प्रसाद, है ना, ऐसा ही कर दो। और उसी टाइम पे अनाउंसमेंट होती है कि जिन संगत को बाहर से मतलब जैसे लेकर जाना है ना लंगर प्रसाद, वो बाहर वहां पे टेबल है, वहां से आप कलेक्ट कर लेना। उसी टाइम अनाउंसमेंट हुई, बट साथ में अनाउंसमेंट हुई कि जो लोग नहीं आ पा रहे है ना अपने घर वालों के लिए, जो नहीं आ पाए या जिनको बहुत जरूरत है, आप उनके लिए लेके जा सकते हैं। मैंने बोला गुरुजी मैं तो अच्छी चंगी बली हूँ है, यहाँ पे मुझे खा के जाना चाहिए, बट सॉरी आप मुझे प्लीज दिलवा देना, मैं यहीं खा लूंगी, बाहर ही खा लूंगी, आप मेरे को दिला दो प्लीज। खैर मैं उठी और मैं चली गई बाहर, और मैंने ना एक सेवादार अंकल से पूछा, वहां पे काफी देर तक खड़ी रही और वहां पे सब सेवा कर रहे थे। मैंने बोला सेवादार अंकल को कि आप ना मुझे एक लंगर प्रसाद दे सकते हो, सो उन्होंने बोला आंटी आप अंदर जाके क्यों नहीं लंगर प्रसाद कर रहे। सो जय गुरुजी संगीता आंटी, हां जी वो गुड़िया की आवाज ही आ रही है, वो रो रही है, सो गुरुजी ने उसकी भी हाजिरी लगानी थी सत्संग में शायद। सो क्या होता है संगत जी, आगे मैं कहाँ पे थी, हाँ मैं लंगर प्रसाद मैंने उनको कहा, मैंने बोला लंगर प्रसाद आप मुझे दे दोगे, तो उन्होंने बोला आंटी आप जाके अंदर लंगर प्रसाद करो, तो मैंने बोला अंकल मेरे को ना घर से फोन आ गया जाना पड़ रहा है बहुत अर्जेंटली, मैं मतलब क्या कर सकती हूँ अभी मेरे हाथ में नहीं है, तो उन्होंने बोला देखो गुरुजी
कहते थे यहाँ पे खाना चाहिए, तो मैंने बोला हाँ जी। कहते जो नहीं आ सकते आप उनके लिए लेकर जाओ, है ना, बट ऐसे नहीं। मैंने बोला ठीक है अंकल, कोई बात नहीं, आप मत हो, मैं बस गुरुजी से आज्ञा लेकर ऐसे ही चल जाती हूँ। मैंने गुरुजी को आज्ञा की, मैं बोला सॉरी गुरुजी, अब नहीं मैं मांगूंगी लंगर प्रसाद, अब मैं जा रही हूँ, आप मतलब आप मेरे साथ है ना, मतलब मैं नहीं, अब से नहीं मैं मांगूंगी। मैंने टर्न किया और मैं जाने लगी, पीछे से अंकल आवाज देते, अंकल कहते हैं आंटी आके लंगर प्रसाद ले जाओ। तो मैंने बोला नहीं अंकल मुझे नहीं लेना, और जब उन्होंने पकड़ाया मुझे इतने, मैं रोने लगी, लिटरली मेरे मोटे मोटे आंसू, मेरे को रोना आ गया। और मैंने बोला नहीं अंकल आपकी बात बिल्कुल सही है, यहीं पे बैठ के खाना चाहिए, मैं अक्सर यहीं पे बैठ के ही खाती हूँ, बस आज इमरजेंसी आ गई, मुझे जाना पड़ रहा है, तो नहीं तो अदरवाइज मैं नहीं मांगती, बट आप रख लो लंगर प्रसाद, मैं नहीं लेकर जाऊंगी। तो अंकल ने मुझे इतना प्यार से ऐसे ना बोला, कहते आंटी आप रो मत और आप जय गुरुजी बोलो, और ये गुरुजी के प्रसाद को मना नहीं करते, आप चुपचाप लो। और मैं बोला और सबसे पहले आप पहले रोना बंद करो, नहीं तो आप मुझे पाप चढ़ाओगे, हैं गुरुजी गुस्सा करेंगे, आप स्माइल करो। और मतलब गुरुजी ना हंसते हंसते मुझे भेजवाया घर वापस, एंड मैंने लंगर प्रसाद ले लिया और स्माइल करके मैं चली गई। अब संगत जी क्या हुआ, मेरे भाई ने क्या कहा था, वो जब गुरुजी से आज्ञा लेने लगा ना, तो उसने गुरुजी को कहा कि गुरुजी आपकी इच्छा है, अगर आप चाहते हो लंगर प्रसाद खिलाना तो आप प्लीज मुझे खिला देना, पर मैं ना किसी से भी मांगूंगा नहीं। एंड सच में संगत जी उसने ना नहीं मांगा, उसने ना ही किसी सेवादार से नहीं मांगा, उसने बस ये कहा था कि गुरुजी अगर आपने खिलाना होगा ना आप अपने आप दे देना। एंड हम ना जोड़े घर की तरफ गए अपने जोड़े पहनने के लिए। मैंने उसको बताया, मैंने बोला मुझे डांट पड़ी गुरुजी से, मतलब गुरुजी के सेवादार से अगर डांट पड़ी तो वो गुरुजी की ही डांट होती है मुझे ऐसे लगता है, तो बस चुपचाप सुन लेना चाहिए, है ना संगत जी। और हमें हमें भी किसी सेवादार से रूडली बात नहीं करनी है, और अगर अगर हमें गुरुजी के सेवादार से डांट भी पड़ रही है ना संगत जी, सच में गुरुजी हमें डांट रहे होते हैं, मेरे को ये लगता है, पता नहीं उसमें भी वो डांट में भी प्यार होता है, क्योंकि गुरुजी हमारे कष्ट काट रहे होते हैं उस डांट में, है ना। सो मैं बाहर गई और तो कहते हैं, मेरा भाई कहता है तू तो रोती रहती है, क्यों रोई? मैंने बोला नहीं बस मुझे रोना आ गया। उसके बाद तो हमने जोड़े जब लेने गए तो वहां पे सेवादार अंकल मेरे भाई को कहते हैं अंकल बिना लंगर प्रसाद के कहाँ जा रहे हो आप, अंदर लंगर प्रसाद करके जाओ। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मेरे घर से फोन आया, मुझे जाना पड़ रहा है, मतलब जल्दी है। सो वो कहते हैं अच्छा, ये पीछे से मैं थाली लेकर आई रही थी, कहते चलो आ गया लंगर प्रसाद, अब आप साथ में बैठ के कर लेना। और संगत जी हमने कैब बुक करी, और कैब जब बुक करी ना उसी टाइम पर कैब वाला भी 10 मिनट उसने वेटिंग लगाई कि 10 मिनट्स तक वेट हमें करना पड़ा, और हमने दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद वहीं हम दोनों ने फिनिश कर लिया, क्योंकि कहते हैं ना उसने हमारा शेयरिंग में लिखा था हम घर लेकर नहीं आए लंगर प्रसाद, वहीं हमने किया दरबार के सामने, और लंगर प्रसाद करके फिर जब खत्म हो गया फिर हम गाड़ी, उसी टाइम हमारी कैब आई, हम गाड़ी में बैठे और घर के लिए निकल गए। एंड ना मतलब मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो रही थी, मैंने बोला वाह गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आप मतलब कितना दिल की बात सुनते हो ना। एंड उसी टाइम ना गाड़ी में ना अब पलकिन आंटी का सत्संग आता है, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग। मैंने बोला सच में गुरुजी आप तो दिल में बसते हो ना, इट्स लाइक आप इतना प्यार करते हो मुझसे कि आपने मतलब मेरे को चुप कराया है, मुझे रोने नहीं दिया। और उसी टाइम पे ना गाड़ी में एक सॉन्ग प्ले होता है, पूरे रास्ते उसने और कोई सॉन्ग प्ले नहीं किया था, बस सिर्फ एक वही सॉन्ग प्ले हुआ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। और मुझे ना मेरे को बस गुरुजी सामने नजर आए कि गुरुजी मुझे ये बात बोल रहे हैं, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। अब संगत जी इस सॉन्ग से रिलेटेड एक सत्संग है, बहुत ब्यूटीफुल सत्संग है, जो मैं पलकिन आंटी ने मुझे एक बार शेयर किया था। पलकिन आंटी को एक अंकल है, उन्होंने मतलब ऐसे फोन किया था
कोई बात थी, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। और उनको ना आंटी बहुत परेशान थी, और आंटी ने बोला गुरु जी आप नहीं मुझसे प्यार करते, और आप ना मतलब ऐसे होता है ना, हम गुरु जी से थोड़ा सा ऐसे प्यार वाला झगड़ा भी कर लेते हैं। सो वो प्यार वाला झगड़ा था कि गुरु जी आप नहीं मुझसे प्यार करते, मुझे पता है आपने मुझसे प्यार करते ऐसे करके। तो ना वो एक अंकल थे, उनका फोन आया, तो उन्होंने ना बस ऐसे फोन करके ऐसे बोला कि ना आपको ना गुरु जी पता है क्या कह रहे हैं कि पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सो मतलब आंटी इतनी खुश हुई कि मतलब एकदम से फोन आता है और कोई आपको ये बोल रहा है कि गुरु जी ये कह रहे हैं कि इसको बोल पल पल दिल के पास तुम रहती हो, और आंटी इतना खुश होगी। टाइमिंग्स की कितनी ब्यूटीफुल बात है ना गुरु जी की। एंड आंटी ना एक बारी ऐसी आंटी ने ये बात शेयर की थी मुझसे, उसके बाद ना आंटी एक बारी बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर में ना एक उनको आंटी मिलती है, वो आंटी मतलब बड़े मंदिर से जैसे बाहर होता है ना शटल सेवा के लिए, तो आंटी वहां पे मतलब गाड़ी में थी, तो एक आंटी आई उनके पास और ना वो कहती है कि आप मुझे बाहर मेट्रो तक मतलब ऐसे बाहर तक छोड़ देंगे। तो आंटी ने बोला हाँ जी श्योर, तो वो आंटी की गाड़ी में बैठ गई आंटी जो बड़े मंदिर से आ रही थी, क्योंकि आंटी भी बड़े मंदिर गई थी। तो वो जो दूसरी आंटी आई थी उनके गाड़ी में बैठ मेट्रो स्टेशन पे जिन्होंने जाना था, तो वो जब आंटी बैठी तो ना वैसी इनकी आपस में बात होने लगी, और आंटी ने ना ये पल पल दिल के पास तुम रहती हो ना ये वाला सत्संग ना ऐसे उन आंटी को सुनाया, और वो आंटी ना रोने लग गई। अब आंटी पलकिन आंटी ने पूछा उन आंटी से कि आप रो क्यों रहे हो, तो मतलब मैं तो आपको सत्संग सुना रही थी। तो वो आंटी कहती एक्चुअली क्या हुआ, मैं अभी बड़े मंदिर में ना गुरुजी से लड़के ही आ रही हूँ कि गुरुजी आप सबको प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, और मैं ना जैसे बड़ा उनसे नाराज होके लड़के ऐसे आई थी, और गुरुजी ने देखो वही सत्संग सुनवा दिया। सो मतलब ये गुरुजी के टाइमिंग्स कैसे है ना, और उसी टाइम मुझे ना बस आंटी का यही वाला सत्संग याद आया कि मैं रोकर आ रही थी है, गुरुजी ने किस तरह से स्माइल करवाया है, लंगर प्रसाद कराया, एंड मतलब मुझे भी एक मैसेज दिया। वो सॉन्ग जब प्ले हुआ तो मुझे बस ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे ये बात कह रहे हैं कि मतलब हम गुरुजी के प्यारे बच्चे हैं और गुरुजी के दिल में रहते हैं। सो और गुरुजी कभी हमें उदास नहीं देखना चाहते, गुरुजी चाहते हैं कि, और गुरुजी अपने हर बच्चे से, गुरुजी के लिए ये नहीं है कि वो आंटी स्पेशल है, मैं हूँ या कोई और अंकल है या कोई भी, गुरुजी के लिए सारे बच्चे इक्वल है। वो गुरुजी अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं करते, कहते हैं ना माँ बाप अपने बच्चों में कोई फर्क करते हैं, मतलब पहले जैसे कितने मतलब माँ बाप के 10-10 बच्चे होते थे, हमारे दादाओं के टाइम के अगर मैं बोलूँ तो हमारी कितनी मतलब कितने सारे मतलब भाई बहन होते थे, 10-10 बच्चे होते थे उस टाइम पे भी, और पर मम्मी पापा जो होते थे उस टाइम पे वो क्या अपने बच्चों में कोई फर्क थोड़ी करते थे, चाहे वो एक बच्चा हो, चाहे वो दो बच्चे हो, चाहे वो 10 बच्चे हो, मतलब बच्चे तो माँ बाप के लिए बराबर हैं, वो सबको उतना ही प्यार करते हैं। अब जैसे मैं मतलब हम तीन भाई बहन हैं और हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, हम 7 बच्चे हैं, और हम सब मतलब हमारी मम्मी पापा के लिए हम सब बराबर हैं, किसी एक को भी चोट लगती है माँ बाप को उतना ही दुख होता है जितना मतलब अगर किसी और को लगती है ना। सो उन माँ बाप कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं करते, तो हमें कभी हमारे मन में ये लाना ही नहीं चाहिए कि गुरुजी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी तो सारी बात सुनते हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते। हमें कभी अपने मन में ये बात ही नहीं लानी है, क्योंकि गुरुजी अपने किसी बच्चे में फर्क नहीं करते। हाँ मम्मी पापा का जो कहना मानते हैं, मम्मी पापा उससे थोड़ा ज्यादा लाड दिखा देंगे ना, उसको ज्यादा कहते हैं ना झप्पियां पालेंगे, ज्यादा पारियां कर लेंगे, ऐसा होता है ना संगत जी, बट अंदर ही अंदर वो प्यार सबको ही करते हैं। बट कहते हैं ना कुछ बच्चे प्यार ज्यादा ले लेते हैं, वो शायद उनका कहना मान लेते हैं। अब मैंने एक साखी पढ़ी मतलब सुनी, मतलब उन्होंने ना साखी में एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिया था कि अगर कोई नला मतलब
माँ बाप के दो बच्चे हैं, दो बेटे हैं, एक नालायक है और एक लायक है ना। एक माँ बाप का बहुत कहना मानता है और एक बिल्कुल भी कहना नहीं मानता। माँ बाप पैसे खर्च दोनों को ही देंगे कि है ना, उसकी भी जरूरतें हैं, उसको भी जरूरतें हैं। बट अगर जैसे फादर की शॉप है ना, या फैमिली बहुत बड़ा बिजनेस है, वो जो बिजनेस संभालने का वो किसको देंगे? तो अपने दो बेटों में से किसको देंगे? लॉजिकल सी बात है, वो बेटा जो उनका कहना मानता होगा, या वो बेटा जो बहुत ज्यादा मतलब चीजों का उसको ख्याल है ना, उस बच्चे को वो मतलब कारोबार की सारी चाबियां पकड़ा देंगे। जो दूसरा बच्चा है जो मतलब नलायक है, मतलब ज्यादा कहना नहीं मानता है ना, उस बच्चे को वो प्यार देंगे, उसको खर्चा दे देंगे कि तू खर्चा अपना कर ले, पर उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे है ना, कि वो सारा काम काज संभाले। क्योंकि पता है अगर इसको पकड़ाया तो ये सारा नुकसान करा देगा, और अगर दूसरे बच्चे को पकड़ाएंगे तो वो उस काम को और फ्लरिश करेगा है ना, और ज्यादा कमाई करेगा। पर माँ बाप कोई फर्क नहीं करते। तो हमें क्या, हमें कैसा बच्चा बनना है? हम अगर चाहते हैं ना कि गुरुजी हमसे ज्यादा लाड लड़ाए, तो हमें गुरुजी की बातें माननी है ना। गुरुजी क्या बातें बोलते हैं, मतलब सीधा एक सिंपल सी बातें हैं कि सच में संगत जी, गुरुजी हम सबको बहुत प्यार करते हैं, इक्वली प्यार करते हैं, बट हमें कहते हैं ना उनका प्यारा बनना है। गुरुजी के सब प्यारे बच्चे हैं, सब गुरुजी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और गुरुजी सबसे बहुत प्यार करते हैं, बट कितना हम प्यार उनसे लेते हैं ये हम पर भी निर्भर करता है। हम जितना उनका कहना मानेंगे ना, आई थिंक गुरुजी हमसे और खुश होंगे कि ये मेरा बहुत सयाना बच्चा है ना। तो हमें उनका सयाना बच्चा बनना है, हमें उनका नहीं, सियानेपन को भी छोड़ दो मैं कह रही हूँ, बस उनका बनना है, उनके बन जाओ बस, बाकी सारी बातें ठीक है। अपनी सियान पे कहाँ चलाएंगे है ना। दुनिया के आगे हम बहुत अपने आप को समझदार बनाते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमें दीन दुनिया का सब पता है, हम दुनिया के साथ बहुत चलाकियां भी कर लेते हैं, बहुत कुछ, बट कभी भी उनके साथ चलाकी नहीं करनी चाहिए। उनको, उनके सामने ना जैसे आप हो ना वैसे रख दो। गुरुजी मैं ऐसा ही हूँ, मुझे पता है मैं ये चलाकियां कर रहा हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि हमें अपने रब के आगे ना बिल्कुल कहते हैं ना शीशे की तरह साफ। वैसे तो जिंदगी में हमें ऐसे आई थिंक डबल फेस होना ही नहीं चाहिए, बट डिप्लोमेटिक दुनिया है कभी कभी आपको डिप्लोमेटिक बनना पड़ता है सिचुएशन को देख के। ये प्रैक्टिकल सी बात है, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है हम करते हैं, ये सारी चलाकियां हैं और हम करते हैं, फैक्ट बात है ये। इसमें झूठ कोई बात नहीं है कि मैं नहीं करती। अगर कहीं कितनी जगह पे होगा, आई थिंक मैं अपने आप को बोलती हूँ मैं बहुत डिप्लोमेटिक बनती हूँ, मतलब मैं बहुत डिप्लोमेटिक, कई बार मुझे डिप्लोमेटिक आंसर्स देने पड़ते हैं, मतलब सिर्फ सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये मेरे अंदर एक कमी है, मेरे को करना पड़ता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर मैं सच बोलूं या मेरे को ऐसा लगता है सामने वाला कहीं बुरा ना मान जाए, मैं कहीं ना कहीं पर मैं अपनी डिप्लोमेटिक मतलब आंसर्स देती हूँ। झूठ नहीं बोलूंगी, गुरुजी सामने बैठे हैं, उनके सामने नहीं झूठ मैं बोल सकती। करना पड़ता है प्रैक्टिकल, मैं अपनी जो सच्चाई है मैं वही बात बोलूंगी। हम सब करते हैं ये बात, बट उनके आगे हमें डिनाई नहीं करना चाहिए कि हम ऐसे नहीं हैं, जैसे हैं उनके सामने बस रहे है ना। यहाँ पे काफी संगत पूछ रहे हैं मेहर कैसी है। मेहर बहुत अच्छी है, गुरुजी का शुक्राना, आज मेहर 1 मंथ की हो गई है, सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी की कृपा है, आप सबका प्यार है, थैंक यू सो मच फॉर दैट लव, बहुत बहुत शुक्राना। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमें अपना दिमाग ज्यादा नहीं चलाना, गुरुजी के आगे नहीं चलाना, बस गुरुजी के बस लाडले बनना है, गुरुजी के लाडले बन जाना है, और गुरुजी को
कहते हैं ना उनको खुश रखना है, उनको खुश रख देंगे ना पूरी दुनिया खुश हो जाएगी। अगर हम पूरी दुनिया को खुश करने में लग जाएंगे ना, और गुरुजी कहीं हमसे नाराज ना हो जाए। सो अगर एक को खुश करना है, एक गुरुजी को खुश कर लो, गुरुजी खुश तो पूरी दुनिया खुश। अगर पूरी दुनिया नहीं भी खुश होती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस गुरुजी आपसे नाराज नहीं होने चाहिए, है ना। सो ये मेरा सत्संग था, पल पल दिल के पास वाला भी गुरुजी ने सत्संग सुनवाया। जय गुरुजी रोजी आंटी, जय गुरुजी कुसुम आंटी, जय गुरुजी किरण आंटी, जय गुरुजी दिव्या आंटी, जय गुरुजी श्वेता आंटी। अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, ये भी बड़ा कमाल का सत्संग है। एक्चुअली अभी रिसेंटली हम ना गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया, और मेरे ब्रदर का बर्थडे था, और ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं करनी थी कि मतलब हमने जाना है या कुछ, तो हम चुपचाप ना बस मैं और मेरा भाई चले गए बड़े मंदिर। और उसने उसकी इच्छा थी कि वो जाए और गुरुजी के साथ अपना बर्थडे मनाए। सो हम दोनों गए बड़े मंदिर, और अपना रास्ते में संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे क्या हुआ, इतना ट्रैफिक था। मतलब जब हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन से मंदिर बड़े मंदिर की तरफ जा रहे थे, अब वो फटफट वाला वो जो होता है ना वहां पे, हमने लिया और हम बैठे उसके अंदर। अब संगत जी इतना ट्रैफिक था, मतलब उस टाइम पे ना मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब हम गाड़ी बार बार रुक रही थी, इतना जो आधे घंटे का रास्ता होगा वो कम से कम ऐसे लग रहा था कि घंटा ना लग जाए। अब ना मेरे साथ एक आंटी बैठे हुए थे, तो मैंने वो आंटी मुझसे बात करने लगी, मैंने भी उन आंटी से बात की, और मैंने आंटी को बोला आप कोई सत्संग ही सुना दो अपना, तो उन आंटी ने अपना बताया कि कैसे वो कनेक्ट हुई। और फिर मेरे मन में आ रहा था कि गुरुजी मुझे भी सत्संग आपका शेयर करना है, तो मैं अपना सत्संग ना मैंने स्टार्ट कर दिया उन आंटी को सुनाना। इनफैक्ट बाकी वहां पे जितने भी संगत बैठी हुई थी सब सुन रहे थे, सो मैं ना सुनाती गई। और पता नहीं संगत जी वो गुरुजी का गुणगान करते करते वो ट्रैफिक कहाँ क्लियर हो गया, हम कब बड़े मंदिर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। ऐसे लगा कि मतलब अभी तो मैंने बस मतलब गुरुजी का सत्संग स्टार्ट किया था और हम पहुंच भी गए, और बहुत ट्रैफिक जाम था संगत जी, मतलब ऐसे लग रहा था हम पहुंच नहीं पाएंगे, पर गुरुजी ने कैसे रास्ता क्लियर करा दिया, और उनका गुणगान करते करते वो वक्त कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। एंड हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी। और मेरा भाई वही कह रहा था, कहता है जब तूने सत्संग स्टार्ट किया मतलब रास्ता अपने आप क्लियर हो गया, पता ही नहीं चला हम बड़े मंदिर कब पहुंच गए, कि मतलब सत्संग में इतना आनंद आ रहा था कि हम ऐसे लग रहा था कि बस हम गुरुजी की मतलब बातें सुनते रहे, और बड़े मंदिर कब पहुंच गए बस पता ही नहीं चला। सो शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए, हमें बिठाया अपने पास और दर्शन कराए। सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना हमें बुलाने के लिए। और कल भी मेरे मतलब ना एक यही बात सीखने को मुझे मिली, जब हम सच में लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आती है ना, मतलब हम गुरुजी का जब गुणगान करने लग जाते हैं ना, गुणगान अगर करना है गुरुजी का करो, सच में अपने रब का करो जो आपके ऊपर इतनी रहमतें बरसाता है कि आप अगर आप सोचो आप काउंट करने लगो या आप लिखने लगो कि आपके पास कॉपी कम पड़ जाएगी मतलब उनकी रहमतें लिखने के लिए कि गुरुजी आपको इतना सारा ब्लेस करते हैं, बट मतलब हम शुक्राना करते जाएं। और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं है कि गुरुजी से मिलने के बाद, यहाँ पे जितनी संगत जुड़ी है उन सबसे बस बात बोलूंगी, चाहे आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो, चाहे आप पहले भी आते हो या पहले भी गुरुजी से जुड़े हुए हो या आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, बट आपको गुरुजी वो प्रॉब्लम्स निकल जाएंगी। आप कहते ना आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, गुरुजी आपको हिम्मत दे देते हैं वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए। मक्खन की कहते हैं ना, मतलब जैसे ऐसे मक्खन की तरह गुरुजी ने निकाल लेना है आपको उस प्रॉब्लम से। बस अपने गुरु पे विश्वास रखना हमें कि कुछ मर्जी हो जाए, है ना, गुरुजी हमारे साथ है,
और गुरु जी मतलब ये फेज भी निकाल देंगे। हमेशा यही सोचना कि बस हैप्पी 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 टाइम्स आएंगे, ऐसा नहीं है। ये लाइफ का फेज है, अप एंड डाउन चलता रहेगा, है ना। बट उसके अंदर में भी हमें शुक्राना करते रहना है। और अब तो गुरु जी ने ऐसा मतलब सोजी बख्शी है कि ये भी सोजी उनकी बख्शी हुई है कि पहले हमें लगता था प्रॉब्लम्स आती थी तो हम रोने बैठ जाते थे, बहुत रोते थे। अब प्रॉब्लम आती है या कुछ चोट लगती है, अब बस लगता है शुक्राना गुरु जी आपने सस्ते में हमारे कर्म काट दिए। पता नहीं कौन सा एक्सीडेंट होना था जो आपने छोटे में हमारा ऐसे कष्ट काट दिया, है ना, ठोकर लगने में काट दिया। अब ये सोच बख्शी है गुरु जी ने। पहले ये सोच कहाँ थी, पहले हम ऐसे नहीं थे। बट गुरु जी बस ये है कि गुरु जी का नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। जब हम गुरु जी का नाम लेते जाएंगे ना, प्रॉब्लम्स भी हमसे दूर भागती जाएंगी, मेरे को ये लगता है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। इतने प्यार से आप सत्संग सुनते हो गुरु जी, बस हमें गुरु जी की बात माननी है, अच्छा इंसान बनना है, पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, स्माइल करते रहना है। और क्योंकि स्माइल बहुत प्रेशियस थिंग है, एज ऑलवेज जो मैं ये बात बोलती हूँ, गुरु जी महाराज आपके सबके चेहरे पे बस मुस्कुराहट लेकर आए, आप सब स्माइल करते रहें। लाइफ में कुछ भी हो, बस गुरु जी को कभी मत छोड़ना। कभी ऐसा लगे कि गुरु जी कुछ नहीं कर रहे, तब आप समझना गुरु जी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए। कई बार ना क्या होता है कि हम मांग रहे होते हैं बस छोटी सी चीज मांग रहे होते हैं। हम मांग रहे होते हैं 100 रुपए 200 रुपए, गुरु जी हमारे लिए खजाना, कहते हैं ना, भर के खजाना देना चाह रहे होते हैं हमें। गुरु जी उस टाइम पे कुछ ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं। गुरु जी की प्लान कुछ भी कहते हैं ना, जब कुछ भी समझ में ना आए ना, तो बस एक काम कर लो, जय गुरु जी जप लो, बस वो कर लो तो बहुत बढ़िया है ना संगत जी। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। अब जाते वक्त बस एक मतलब भजन गाती हूँ गुरु जी के लिए, और फिर उसके बाद फिर हम आज्ञा लेते हैं गुरु जी से। जय गुरु जी। मेरी गुरादा बेखुंटे ते बड़ा सोना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरादा बेखुंटे ते बड़ा सोना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे सतगुरु सच खंड वासी ने होता कट दे सब दी चौरासी ने, मेरे सतगुरु सच खंड वासी ने होता कट दे सब दी चौरासी ने, ओदी कृपा दे नाल ही उधार होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। ओदी कृपा दे नाल ही उधार होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरादा बेखुंटे ते बड़ा सोना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। जदो मुखड़ा गुरु जी दा तक दे आ, तक तक एक पल बिना थक दे आ, जदो मुखड़ा गुरु जी दा तक दे आ, तक तक एक पल बिना थक दे आ, मेरा दिल कहंदा रब्बी
सतगुरु जेहा होनाए दर्शन जे रावी पावे करमा वाला होनाए मेरा दिल ये कहंदा रब्बी सतगुरु जेहा होनाए दर्शन जे रावी पावे करमा वाला होनाए मेरे गुरादा बेखुंट ते बड़ा सोना है दर्शन छे रावी पावे कर्मा वाला होना है जो गुरु चरना विच बह जावे बिन मंगिया सब कुछ ले जावे जो गुरु चरना विच बह जावे बिन मंगिया सब कुछ ले जावे औखे वेले सतगुरा ने सहाई होना है दर्शन जे रावी पावे कर्मा वाला होना है औखे वेले सतगुरा ने सहाई होना है दर्शन जे रावी पावे कर्मा वाला होना है मेरे गुरादा बेखुंट ते बड़ा सोना है दर्शन जे रावी पावे कर्मा वाला होना है जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना मेरे मालिक आज के सत्संग के लिए शुक्राना बस हमेशा आप सब यही कहूंगी गुरु जी से अरदास है कि गुरु जी महाराज हम सबको बस हमेशा ऐसे हिम्मत बख्शे रखना हम हमेशा खुश रहें और मतलब चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन क्यों ना हो हमेशा मुस्कुराते रहें क्योंकि स्माइल करेंगे ना तो बहुत अंदर से एक मतलब स्माइल करने से ना पॉजिटिविटी आती है। आप किसी छोटे बच्चे की स्माइल देख लो आप अपनी लाइफ की ना सारी टेंशन भूल जाओगे उसकी स्माइल देखते हुए और आप खुश हो जाओगे है ना। ऐसी जब हमारी मतलब हम मुस्कुराते हैं ना तो हमारे आसपास के लोग बहुत मुस्कुराते हैं। आप देखना आप टेंशन में भी होगे ना आप खुद को हिम्मत देते हो ना आप हिम्मत रखते हो और स्माइल करते हो और औरों को भी मोटिवेट करते हो अरे टेंशन मत ले गुरु जी सब ठीक करेंगे गुरु जी बैठे हैं ना गुरु जी करने वाले हैं क्यों टेंशन लेनी है ना। और सच में जब ऐसे ऐसे वर्ड्स हम बोलते हैं क्योंकि वर्ड्स बहुत पावरफुल है आप जो इस यूनिवर्स में दोगे ना वो आपके पास वापस आता है। यहाँ पे कैली कैंटी ने अपने चरणों से जोड़े रख प्लीज कोई अपने गुरु जी हमें चरणों से रखें। आई वॉज लिसनिंग दिस भजन सेंस मॉर्निंग अरे वाह जय गुरु जी श्वेता आंटी यस दिस इज सच अ ब्यूटिफुल भजन ना इतना सुंदर है ना मतलब सच में इतना सुंदर लगता है मतलब मजा आ जाता है सुनकर सुबह सुबह और बहुत डिवाइन है मतलब ऐसे लगता है आप ना कहीं और पहुंच गए हो मतलब इतना सुंदर लगता है तो मैं भी गुनगुनाती रहती हूँ गुरु जी के आगे और गुरु जी की मेहर को सुनाती रहती हूँ ये भजन। और इनफैक्ट जब मैं उसको सुनाती हूँ ना वो बहुत खुश होती है और वो इतने आराम से सुन लेती है ना मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है। मैं पोएम्स चलाऊं ना मेहर के लिए तो वो इतना नहीं रिएक्ट करती है सुनती शायद मतलब सुनती है बट उसको इतना अच्छा नहीं लगता। बट जब मैं उसको भजन गा के सुनाती हूँ ना तो वो मतलब सुनती है बहुत ध्यान से सुनती है और गुरु जी को देखती है। एक गुरु जी के साथ बच्चों का ना डायरेक्ट कनेक्शन होता है सच में और वो भी बातें करते हैं अपने मतलब गुरु जी से। सो बट ये भजन इतना डिवाइन है ना मतलब सुन के ऐसे लगता है मतलब सिद्धार्थ मोहन अंकल ने इतना डिवाइन गाया है मैं तो वो आवाज ही नहीं है कि वैसी मतलब मैं सच बात बोल रही हूँ पर जो उन्होंने गाया ना इट्स लाइक आप कहीं और ही पहुंच जाते हो इतना सुंदर। सो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना और बस यही कहूंगी स्माइल करते रहो खुश रहो पॉजिटिव रहो और कभी भी उदास मत होना। उदास हो तो गुरु जी का चेहरा देख लेना अपने आप स्माइल आ जाएगी है ना। सो इसी के साथ संगत जी बस ये कहूंगी पॉजिटिव रहो क्योंकि जो थॉट्स आप यूनिवर्स में डालोगे वो वापस आएंगे। सो पॉजिटिव
थॉट्स बोलोगे, बोलो अच्छे अच्छे शब्द बोलोगे तो अच्छी अच्छी चीजें वापस आएंगी। नेगेटिव बातें बोलोगे ना तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी। अब जितना आप सोचो, एक नेगेटिव आप थॉट बोलते हो ना यार ये अच्छा नहीं है, आपकी नजर वैसी बन जाती है, आपको वो चीज अच्छी नहीं लगेगी, है ना। जैसे मैं अपनी बात बोलती हूँ, मैं पहले कद्दू घिया टिंडे ये सब नहीं खाती थी, मुझे ये गंदी चीजें हैं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे नहीं अच्छी लगती है। फिर जब मैंने एक बार खाना स्टार्ट किया फिर अच्छी लगने लगी। तो मैं सोची थी पहले मैं ऐसी, इतने साल मैंने बर्बाद किए, मैंने खाई नहीं अच्छी चीजें। सो ये चीज है, हमारे थॉट्स बहुत मैटर करते हैं। सो हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है और अच्छा करना है, और हमेशा खुश रहना है। लाइफ में कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमेशा याद रखना ये आपका साथ हमेशा देंगे और ये आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं जितना इस दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। कभी रोने का मन करे ना तो इनका स्वरूप लेना, अपने हाथों में अपने बाहों में लेना, गले लगा लेना और रो लेना। सारी जो नेगेटिविटी है ना सब बाहर निकल जाएगी। कभी अगर रोने का मन करे इनके आगे रो लेना, दुनिया के आगे मत रोना, इनके आगे रो लेना और इनको गले लगा लेना, आपकी सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी। और उसके बाद जो आप लाइट फील करते हो ना, बहुत अच्छा फील होता है। और फिर आप गुरु जी को बोलो, गुरु जी मुझसे नहीं हो रहा, आप देख लो यार, आप संभाल लो ना, प्लीज आप संभाल लो। एंड यू नो जब आप गुरु जी से अरदास करते हो ना, गुरु जी से बात करते हो, गुरु जी आपको वो हिम्मत देते हैं और पता नहीं कहाँ से वो मैजिकल एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। आप बोलते हो यार गुरु जी बैठे हैं ना, अपने आप देख लेंगे, मैं क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ। जब वो बैठे हैं मेरे फादर देखने वाले, कहते हैं ना जब हमारे सिर पर हमारे मम्मी पापा बैठे होते हैं ना, हमें टेंशन नहीं होती है, हमें पता है मम्मी पापा संभाल लेंगे। हम कोई गलतियां भी कर देते हैं ना, हम चुपचाप आके मम्मी को बता देते हैं ना, मम्मी हमने यार ये गलती में होगी यार मुझसे, अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता है मम्मी अपने आप कोई ना कोई आंसर दे देगी, कोई सोल्यूशन दे देगी। पापा को आके बता देते हैं पापा ये गड़बड़ होगी, पापा अपने आप वो सिचुएशन संभाल लेते हैं। ऐसे ही जब हम गुरुजी के आगे बोलते हैं ना कि गुरुजी नहीं हो रहा यार, नहीं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, अपने आप गुरुजी संभाल लेंगे, है ना। सो टेंशन नहीं लेनी, किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी। आज अपनी सारी टेंशन गुरु जी के चरणों में छोड़ दो और गुरु जी को बोलो हम टेंशन फ्री होके बैठे हैं, अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं तो नहीं टेंशन लेने वाली। मैं हमेशा ऐसी करती हूँ, बट कभी कभी जब हम भारी मन हो जाता है तो मैं गुरु जी को पकड़ती हूँ, रोती हूँ बहुत ज्यादा, और जो सच बात है वही बता रही हूँ। मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ कि गुरु जी आपको पता है ना, और फिर उसके बाद मैं बोलती हूँ गुरु जी अब मैं आपको पकड़ के सो रही हूँ, अब कल सुबह जब मैं उठूँ तो आप अपनी एनर्जी बख्शना मेरे अंदर, कि मतलब मैं अपना नया दिन आपकी एनर्जेटिक वाली उस एनर्जी के साथ स्पेंड करूँ, सो मेरी मॉर्निंग हो। और फिर बस गुरु जी अपने आप मैजिक कर देते हैं। सो सब अपनी टेंशन गुरु जी के चरणों में छोड़ दो और खुश रहो, स्माइल करते रहो, पॉजिटिव रहो। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे नए सत्संग के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप लविंग गुरुजी, और हमेशा खुश रहे, पॉजिटिव रहे। सो और सत्संग करते वक्त संगत जी मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज गुरुजी मुझे बख्शना, मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। सही बात बोली, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी आ रही रोशनी है। सही बात है, कितनी सुंदर बात बोली है। जय गुरु जी नीलम आंटी, चलो दो लाइनें सुना देती हूँ। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी, मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनू कहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, मालिका प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, मालिका प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है, जग दे सोने बहुत होने मेरा सोना तू साहिबा, सब दे कहने होर होने मेरा गहना तू साहिबा,
जगदे सोने बहुत होनगे, मेरा सोना तू साहिबा। सब दे कहने होर होनगे, मेरा गहना तू साहिबा। मैं नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं ता नाम तेरा ही लेना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। पावे जो हो अंजाम मेरा, मैं सब कुछ हंस के सहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। सौ तेरी मैं जग जग छड़ जाना, तेनु ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। सौ तेरी मैं जग छड़ जाना, तेनु ना छड़ पावांगी मैं। वेखे रंग सारे दुनिया दे, तेरे रंग सुख पावांगी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनु कहना जी। मैं ता तेरे नाल ही रहना जी, हर सुख दुख तेनु कहना जी। जो जग से कहा ना जाए, वो मुझको बस तुझसे कहना जी। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। माल का प्यार मेरा तू है, कसम संसार मेरा तू है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और गुरु जी महाराज आप सबको खूब सारा ब्लेस करें। आप सब हमेशा हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा पॉजिटिव रहें। सो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। सो संगत जी, आज्ञा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे नए सत्संग के साथ। तब तक आप स्माइल करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, और गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। जय गुरु जी।